जय मसीह की। मैं श्वेता सेंसिया, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में। और आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं लेकर आप सबके लिए हेल्थ का एक नया विषय डॉक्टर जय प्रीत आनंद जी के साथ। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो अक्सर ये कहा जाता है कि बीमारियां अगर दूर करनी हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बनवाए जाएं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा औषधियां आप लेनी शुरू कर दें। असल में स्वस्थ रहने का एक सूत्र है जिससे अक्सर या यूं कहें कि जानबूझकर हम सभी विमुख रहते हैं, और वो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, मैं तो फिट हूँ, मेरा वज़न भी ज़्यादा नहीं है, मैं तो स्लिम हूँ और ओवर ईटिंग भी नहीं करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं व्यायाम यानी एक्सरसाइज के विषय पर। एक्सरसाइज हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसे रूटीन में करते हैं। और बाकी के जो लोग हैं वो ऑफिस और घर का काम तो रूटीन से करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज को वो अपने जीवन में अहमियत नहीं देते हैं, जो कि ओबेसिटी या फिर किसी ना किसी और डिसीज़ का कारण बन जाता है। तो आज हम डॉक्टर प्रीत जी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो जानते हैं डॉक्टर प्रीत जी से कि एक्सरसाइज के हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमें कौन कौन सी डिसीज़ से बचाती है, और आज का जो समय है महामारी का, इसमें एक्सरसाइज कितनी लाभकारी है। तो स्वागत है डॉक्टर प्रीत जी आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। जय मसीह की सबको। आज के एपिसोड में हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उन्हें सब नॉलेज है, लेकिन उनका करने को मन नहीं करता या वो कभी करते ही नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा बाइबल में से आपको कुछ बताना चाहूँगी। हम सबसे पहले एक वर्स पढ़ेंगे, यशाया 40:29। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आगे, तरुण तो थकते और श्रमित भी होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम इस वचन में फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। ये वचन से हमें पता चलता है कि जवान भी थकित होंगे, जवान भी गिरेंगे, वो भी थके हुए महसूस करेंगे, लेकिन जो लोग यहोवा की बाट जोएंगे वो कभी भी थकेंगे नहीं, बल्कि वो उकाबों की नाई उड़ते चले जाएंगे और नया बल धारण करते जाएंगे। नया बल हमें कैसे मिलेगा, हम बल को धारण कैसे करें? क्या हम सिर्फ सोच के या सिर्फ अच्छा खा के या अच्छी बातें बोल के या अच्छा सोच के? नहीं, हमें उसके लिए कुछ परिश्रम, कुछ टाइम ज़रूर निकालना पड़ेगा। ये वक्त जो हम कभी भी, हर कोई जिससे भी हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, वो यही बात बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर हम समय नहीं निकालेंगे, तो हमने इस वचन के अंदर जो पढ़ा हमने, तो हम बल कैसे धारण करेंगे? आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि शिमशोन जो था वो एक बल, उसके अंदर बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। वो एक छोटी सी गधे की जबड़े की एक हड्डी से उसने हजारों लोगों को मारा था, उसने शेरों के मुंह को फाड़ गिराया था, उसकी बाजुओं में इतनी ताकत होती थी कि वो रस्सियां तोड़ देता था और खंभों को गिरा देता था। इतना बल, इतनी स्ट्रेंथ हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। हम बाइबल के अंदर एक और शख्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, हम रूत के बारे में पढ़ते हैं। रूत जब अपनी मदर इन लॉ के साथ मुआब से बैतहलम जाती है, तो वो 50 मील के आसपास चल के जाती है, जिसमें वो अपना सामान, अपना लगेज और अपनी बूढ़ी सास को साथ लेके चलती है। उसके पास इतना चलने की स्ट्रेंथ थी, वो इतनी एक्टिव थी, उसे पता था, इतनी एक्सपर्टाइज वो हो चुकी थी चलने में, भागने में, वज़न उठा के चलने में। आज अगर हम थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ उठाना पड़ता है, तो हमें किसी की हेल्प चाहिए, हमें किसी बच्चे की हेल्प चाहिए, किसी और की। कोई 50 साल का भी होता है तो उसे आधे कामों के लिए वो डिपेंड कर जाता है, वो बार बार बच्चों को आवाज़ लगाता है, बार बार किसी नेबर को आवाज़ लगाता है कि तू मेरा ये काम कर दे, तू मेरा ये काम कर दे, लेकिन उनके अंदर बल नहीं है। ये बल हम सिर्फ अच्छी बातें करके या सोच के नहीं लेंगे, ये बल हमें धारण करना होगा। यशाया के अंदर एक और वचन भी है जिसमें लिखा है, सिय्योन की बेटी
उठ जाग, जाग अपना बल धारण कर। अपना बल हमें खुद धारण करना होगा, अपने बल के लिए हमें किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें एक्सक्यूजेज रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें रोज़ बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास वक्त नहीं होता या मेरे को बच्चों को टाइम देना होता है या मेरे को ऑफिस से काम नहीं मिलता। आपको अपना बल धारण करना होगा। अगर आपको आने वाले टाइम में बीमारियों से दूर रहना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, तो आपको अपना बल धारण करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी होगी। एक्सरसाइज सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ स्लिम रहने के लिए नहीं होती है, एक्सरसाइज के हज़ारों बेनिफिट्स होते हैं। एक्सरसाइज बुज़ुर्ग के लिए भी होती है, एक बच्चे के लिए भी होती है, एक जवान के लिए भी होती है, एक हाउसवाइफ के लिए भी होती है, एक बुज़ुर्ग महिला के लिए भी होती है। एक्सरसाइज हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी ये ना सोचे कि बहुत लेट हो चुका है, अब मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकूँगा। अगर वो बहुत बूढ़ा भी हो चुका है, बहुत लेट भी हो गया, तो वो आज से भी वॉक और रनिंग स्टार्ट करें। जो जॉइंट्स उसके काम नहीं करते, वो जॉइंट्स उसके काम करना शुरू कर देंगे। जिन जोड़ों के अंदर एक जमाव आ गया है, वो जोड़ उसके चलना शुरू करेंगे। आप घर के अंदर देखिए, आप एक एक्टिवा या कार अगर 10-15 दिन भी खड़ी रखते हैं, तो वो उसके बाद चलती नहीं है। हमें फिर से उसको चलाने के लिए उसे इंजन ऑयल, उसे रेसिंग देनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर एक ऐसी मशीनरी हो सकती है, तो हमारा शरीर क्यों नहीं जाम होगा। इसी तरह से हमारा शरीर जो है वो भी ऐसे ही जाम हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर एक्सरसाइज ना करने के कारण जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमने एटमॉस्फेयर से लिए या जो हमने गलत खाने पीने से लिए, वो टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं, कमुलेट होते हैं, तो वो वहाँ पे एक डिज़ीज़ को पैदा कर देते हैं। अगर वो टॉक्सिन्स आपके थायराइड की ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आपका थायराइड की ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर देगी, वो एक्टिव नहीं रहेगी और आपको थायराइड की गोली लेनी पड़ेगी। अगर वो आपके टॉक्सिन्स आपके पैनक्रियाज में एकोमुलेट हो गए, तो आपका पैनक्रियाज काम नहीं करेगा और आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो एकोमुलेट आपके जो टॉक्सिन्स हैं कहीं लीवर में हो गए, तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा, वहाँ पे स्टोन पैदा हो जाएगी। तो आप ये सोचें कि आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सरसाइज ना करने के कारण ही तो हुआ, क्योंकि इन हिस्सों की तो कभी एक्सरसाइज हुई ही नहीं। आपने दिन भर काम किया, आप दिन भर इधर से उधर आपने भाग दौड़ की, लेकिन कब आपने नेक की एक्सरसाइज की, कब आपने पेट की एक्सरसाइज की, कब आपने अपने ब्रेन की एक्सरसाइज की, कब आपने लंग्स और हार्ट के लिए एक्सरसाइज की। तभी तो आज अस्थमा हुआ, तभी तो आज हार्ट ब्लॉकेज हुआ, तभी तो आज ब्रेन की प्रॉब्लम हुई। ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जिस एक्सरसाइज को हम लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आप रोटी खाते हो, जैसे आप पानी पीते हो, सेम एक्सरसाइज आपके लिए आधा घंटे से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और जो करने वाले होते हैं वो बहुत लंबा समय भी करते हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग आधे घंटे से होनी चाहिए। जिस दिन आप फिजिकली एक्टिव होगे, उस दिन आप फतेह पालोगे बाकी सारी बीमारियों के ऊपर। ये जो आप हमेशा कई बार बोलते हो कि हम बहुत लेजी रहते हैं, हमारी बॉडी में चुस्ती नहीं है, आप एक्सरसाइज करके देखो। मैं अपनी टेस्टिमनी से बताती हूँ, अगर आज मैं 52 ईयर्स की हूँ और अगर मैं अपना काम कर पा रही हूँ, अगर मैं आपके साथ वर्ड शेयर कर पा रही हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रही हूँ, तो एक्सरसाइज इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ा है, आज 30 साल हो गए, मैंने वर्कआउट को कभी भी नहीं छोड़ा है। अगर हम क्राइस्ट की देह हैं, अगर हम क्राइस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा बॉडी फिट रहना, हमारा हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो एंकर हैं, चाहे वो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी पास्टर्स अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आपने प्रभु का काम लंबे समय तक करना है, अगर आपने समाज को सर्व करना है, अगर आपने फैमिली को सर्व करना है, अगर आपने देश को सर्व करना है, तो आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, आपका चुस्त रहना, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातों के कारण ही आप दिन भर एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि आपने सुबह एक्सरसाइज नहीं की होती। यही रीजंस होते हैं आपकी बैक पेन के, यही रीजंस हैं आपकी सर्वाइकल पेन के, यही रीजंस हैं आपकी लेग पेन्स के, क्योंकि आपने कभी वर्कआउट नहीं किया। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये सभी हिस्सों की एक्सरसाइज, सभी बीमारियाँ, जो भी जिस भी बीमारी से आप पीड़ित हो, उसकी एक एक्सरसाइज ज़रूर होती है। आपको सर्च करना होगा, आपको अपने पास में कहीं देखना होगा, एक एक्सपर्ट, एक हेल्थ एक्सपर्ट, एक एक्सरसाइज करने वाले एक्सपर्ट बंदे से मिलना होगा और आपको वर्कआउट की तरफ ध्यान देना होगा। ये आज से आपका पहला हिस्सा होना चाहिए। अगर हम बाइबल में देखें तो मूसा की आंखें लिखा ना धुंधली हुई थी, ना उसका पुरुष घटा था, जबकि वो 120 साल का होके मरा था।
ना तो उसकी आंखों का विजन कम हुआ था, ना तो उसे स्पेक्स लगी थी और ना ही उसका पौरुष घटा था। उसका रीजन ये था कि वो बहुत एक्टिव था, वो हमेशा एक्टिव रहता था, वो इसराइलियों को लिए चलता रहता था, गॉड से बात करता था, प्रेयर करने वाला पर्सन था, एक एक्टिव इंसान था, वो लोगों को सर्व करता था। वो इसी रीति के साथ अगर हम सामरी औरत के बारे में पढ़ते हैं, शी इज़ एन एक्टिव वूमेन, वो एक एक्टिव औरत थी, वो रोज घड़ा भरती थी और एक गाँव से चल के कुएं पे पानी भरने के लिए आती थी। वो इतनी एक्टिव थी, उसका सालों का एक्सपीरियंस था, और एक दिन इसी एक्सपीरियंस के दौरान वो यीशु नासरी से मिल पाती है। आप मिल पाओगे प्रभु यीशु मसीह से अगर आप आलस को छोड़ोगे और अपने वर्कआउट को अपनी रूटीन बनाओगे, जैसे कि वो सामरी औरत उस वक्त प्रभु यीशु मसीह से मिल पाई जबकि वो एक एक्टिव, एक अपनी रूटीन एक्टिविटी में वो थी। तो इसी रीति के साथ हम एक्सरसाइज के बारे में आगे और सुनेंगे और आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्कआउट, ये एक्सरसाइज आपके जीवन में इतना ज़रूरी क्यों है। तो जानते हैं डॉक्टर प्रीत जी से कि एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए कि लोग उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हाँ जी, एक्सरसाइज जो होती है वो फर्स्ट डे तो कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगती है। वो इंसान सोचता है कि नहीं, मैं आज बहुत थक गया हूँ। वो दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन करता है, उसके बाद उसे बहुत थकान फील होती है। लेकिन आप एक्सरसाइज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप बच्चों के साथ जाएँ, अपने मनपसंद दोस्तों के साथ जाएँ और आप चेंज करते रहें। कभी आप वॉक करें, कभी कभी आप जॉगिंग करें, कभी आप स्किपिंग करने लग जाएँ तो कभी स्विमिंग के लिए ट्राई करें, कभी एरोबिक्स के लिए ट्राई करें, कभी कुछ वर्शिप सॉन्ग्स लगा के आप डांसिंग करें। आप इस तरह से वेरिएशंस कर सकते हैं उसके अंदर ताकि आपको बोरियत फील ना हो, लेकिन आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना के रखें। आप अपनी स्क्रीन पे एक लेडीज़ को देखेंगे अभी, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट के ऊपर पढ़ा। इसका नाम है लता कर्रे। ये महाराष्ट्र की एक औरत है, ये 66 ईयर्स की औरत है। अगर आप ध्यान से इसकी वेशभूषा को, इसकी आप हेल्थ को देखेंगे तो ये एक स्लिम सी औरत है। लेकिन एक बार इसके पति के इलाज के लिए से पैसों की ज़रूरत पड़ी और महाराष्ट्र में तब एक मैराथन मुंबई में होने जा रहा था और उस मैराथन में इसने पार्टिसिपेट किया। और मैंने जब इसका वीडियो देखा तो मैं इतनी हैरान हुई कि उसने साड़ी बांधी हुई, उसने कोई इस तरह की ड्रेस नहीं पहनी हुई और साड़ी और नंगे पाँव वो उस मैराथन को जीतती है। वो फर्स्ट विनर होती है और वो उसमें एक प्राइज़ को जीतती है। उस औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, उसने ऐसा नहीं सोचा। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बूढ़ा समझने लग गए हो। जब आप सोचोगे ऐसा नहीं, जब आप बोलोगे ऐसा नहीं, तो आपकी सोच भी जवान रहेगी। उस औरत ने वो कर दिखाया जो शायद 60-50 साल की औरतें नहीं सोच पाती और नहीं कर पाती। ये हमारे लिए, ये सब देखना और ये सब सुनना जो होता है वो हमारे लिए एनकरेजिंग होता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इसे ज़रूर देखें और इसे सर्च करें। इसी तरह से आप एक और पर्सन है जिनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, वो है फौजा सिंह। वो आज 105 साल के हैं। 105 साल के उनको अगर आप मिलते और वो रनर हैं और वो दौड़ते हैं, वो रोज़ डेली रनिंग करते हैं, और अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कैसे इतनी रनिंग करते हो तो वो यही बोलते हैं कि मैंने अपने आप को कभी बूढ़ा ही नहीं समझा। ये एक सबसे बड़ी बात होती है जब आप ये सोचते हो कि मैं अभी ये नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आप परमेश्वर के चुने हुए ठहराए हुए लोग हो, आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसमें सभी एक्टिव लोगों को, जिन्होंने कुछ अचीव किया बाइबल के अंदर वो सब एक्टिव थे, वो आलसी नहीं थे। आलस जो है वो बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह की नज़रों के अंदर, वो एक सिन है, वो एक पाप। हम एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी प्लेयर को या किसी अचीवर को हम देखते हैं तो हम ये ना सोचें कि उसने ये इतना गोल्ड मेडल जो लिया है, जो इस टाइम वो विनर हुआ है, ये वो अचानक से ऐसा हुआ, अचानक से एक महीने में उसने रनिंग सीखी और आज वो विनर हो गया। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, इसके पीछे उसने सालों सेक्रीफाइस किया होता है, सालों उसने अपनी नींदें उड़ाई होती हैं और वो उठ के गया होता है, सालों उसने अपने घर वालों की शायद बातें सुनी होती हैं और वो गया होता है बाहर। और हम कुछ भी खोना नहीं चाहते लेकिन अचीव करना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब किसी की अचीवमेंट को हम देखते हैं, लेकिन हम कभी भी उसके पीछे उसकी स्ट्रगल को नहीं देखते, उसकी स्टोरी को हम नहीं देखते कि उसने कैसे ये सब चीज़ें अचीव की। अगर हम ये ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे उसका एक लंबा समय होता है जो उसने बिताया होता है।
आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपकी एक प्रॉब्लम नहीं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है बॉडी की जो सिर्फ वर्कआउट करने से चली जाती हैं। मान लीजिए आपको स्किन की प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए कि आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, आप कुछ दिनों में ही अपनी स्किन के ऊपर ग्लो देखेंगे। अगर आप बुढ़ापे से परेशान है तो आप अपनी स्किन को टाइट होता देखेंगे, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो आपका पसीना निकलता है, आपके टॉक्सिन्स बाहर आते हैं और वो सिर्फ पसीने के जरिए ही आते हैं। आपकी हार्ट रेट इतनी फास्ट होती है, आपका ब्लड इतना फास्ट तब सर्कुलेट करता है, आपके एक एक ऑर्गन तक वो पहुंचता है। आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम, आपकी कैंसर की प्रॉब्लम, आपकी गांठों की प्रॉब्लम, आपकी सिस्ट की प्रॉब्लम सिर्फ वर्कआउट ना करने के कारण हुई है, क्योंकि जब आप वर्कआउट नहीं करते तो यही टॉक्सिन्स बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में बैठकर एक डिजीज़ को पैदा करते हैं और उसी डिजीज़ से आप आज भी निजात पा सकते हो सिर्फ एक्सरसाइज करके। आप ये सोचते हो कि अब तो मैं बीमार ही पड़ गया हूँ, अब शायद मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। नहीं मेरे प्रियो, अगर आज आप बीमार भी पड़ गए हो तो आप बेड से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बेड पे लेट के मेरी बात को सुन रहे हो तो आप बेड से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। बेड पे बैठे बैठे भी हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, उसके बाद आप खड़े हो सकते हो, उसके बाद आप चल सकते हो और एक दिन आप भाग भी सकते हो। लेकिन आपको बल धारण करना होगा, आपको नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा, आपको ये सोचों से बाहर आना होगा कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकती। एक्सरसाइज करने से इवन के हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज करने से ठीक होती है। इवन अगर किसी को पिंपल्स हो रहे हैं तो वो भी वो एक्सरसाइज करने से ही उसकी स्किन साफ होगी। अगर उसे हार्ट की प्रॉब्लम और हार्ट ब्लॉकेज है तो भी जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करेगा उसके ब्लॉकेजेस नहीं खुल सकते। अगर एक पेशेंट एस्थमेटिक है तो वो जब तक डीप ब्रीथिंग नहीं करेगा, ऑक्सीजन का इनटेक नहीं करेगा, तो उसका एस्थमा इनहेलर ले लेके ही जाएगा, वैसे नहीं ठीक हो सकता। लेकिन अगर वो नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहता है तो उसे ऑक्सीजन का इनटेक करना होगा, उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी। अगर एक बंदा बहुत बुजुर्ग है और वो कभी भी नहीं उसने एक्सरसाइज की है और उसे कुछ भी नहीं पता अभी भी वर्कआउट के बारे में, तो वो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर सकता है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर इस वक्त देख रहे होंगे कि स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है, आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपकी डायबिटीज़ भी आपके वर्कआउट करने से ही जाएगी, आपका पेनक्रियाज फिर से एक्टिव होगा। जो हिस्से, जो अंग आपके सो चुके हैं, जो अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, वो अंग फिर से एक्टिव करें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करें और आपका थायराइड फिर से एक्टिव होगा, आपको थायराइड की गोली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाते हैं तो जैसे ही आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आपकी बातचीत चेंज होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है, आप डिसिप्लिन लाइफ को जीना शुरू कर देते हो, जो आपकी एक डेली मर्रा की रूटीन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम अगर सिंपल ड्रेस भी वियर करते हैं तो भी हम बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, हम अपने आप को स्मार्ट देखना शुरू कर देते हैं, हमें लगना शुरू हो जाता है कि हम पहले से बहुत अच्छे दिखने शुरू हो गए हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कई लेडीज़ को यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है और वो अगर गायनिक के पास जाती हैं तो उन्हें एक सर्जरी बताई जाती है, लेकिन आपको पता है यूट्रस प्रोलैप्स के लिए भी कुछ एक्सरसाइज होती है, अगर उन्हें किया जाए तो यूट्रस जो है उसकी मसल्स टाइट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर छुपी हुई हैं। अगर आपको नेक पेन हो रहा है, आपको सर्वाइकल, आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जाएंगी। आप कब तक सिंपल दवाइयां खा खा के या फिजियोथेरेपी करा के या स्टीरॉयड्स खा के अपनी चीज़ों को, अपने दर्द को दबाएंगे? आपको उसके लिए बॉडी को एक मॉडिफाई करना सीखना होगा कि मैंने उसे शेप अप कैसे सही तरीके से करना है, कौन सी एक्सरसाइज। आपको अपने डॉक्टर से पूछना होगा कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम के लिए। आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है, आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं अगर आप वर्कआउट डेली करेंगे तो। अब आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगी अगर आप डेली वर्कआउट करेंगे, डेली पसीना बहाएंगे, एक घंटा आप अच्छे तरीके के साथ अपने आप को डिसिप्लिन में लेके और रूटीन को ना तोड़ते हुए करेंगे। कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको डेली 1 घंटा वर्कआउट करना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन सब बातों से आज बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे और आप बहुत चीज़ें जिन्हें आप समझ पाए होंगे कि हाँ, अगर मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, अगर मुझे बार बार मेडिसिंस नहीं लेनी, तो एक्सरसाइज मेरे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, एक्टिव रहना मेरे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आपकी एक्टिविटी और आपका चुस्त दुरुस्त रहना ही आपके शारीरिक निरोगता को दूर कर सक, आपके शारीरिक आरोग्यता को लेकर आएगा, आपके शरीर से रोगों को दूर करेगा।
हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, जो हमारे स्टमक में हैं या बॉडी के अंदर हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे, एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, एक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो वो इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास एक फैट की लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम इनएक्टिव हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे, और वो जो लेयर होती है उसे बोलते हैं विसरल फैट। वो होती है, वो फैट जो होती है वो पेनक्रियास के आसपास, लीवर के आसपास जमनी शुरू हो जाती है, और उसके कारण बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। उसी के कारण हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो सांस ही नहीं ले पाते हैं। बाहर के ऑर्गन्स ने तो सांस ले लिया लेकिन इंटरनल ऑर्गन सांस कैसे लेंगे, उसके तो आसपास फैट की लेयर चढ़नी शुरू होगी, विसरल फैट चढ़नी शुरू होगी। तो उन लेयर्स को, उस फैट को बर्न करने के लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो विसरल फैट जो है वो बॉडी से बाहर जानी शुरू हो जाती है पसीने के ज़रिए, वो टॉक्सिन्स बॉडी से आपके निकलना शुरू हो जाते हैं, और अब आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, वो सांस ले पाते हैं, वो दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। उनके एक्टिव होने से, उनके हैप्पी होने से ही आपकी बाकी की बॉडी को, आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं और आप भी अच्छा फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब इंटरनल ऑर्गन्स बहुत खुश हैं और वो जाहिर सी बात है वो हमें सिग्नल देते हैं कि अब बॉडी बहुत अच्छा फील कर रही है। और ये सब मेरे प्रियो एक्सरसाइज से ही होता है। ये जब तक आप वर्कआउट को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे, ये विसरल फैट की लेयर्स कभी नहीं टूटने वाली। आप जितने मर्जी फिर उसके लिए काढ़े पी लो और जितने मर्जी कुछ भी ऐसी रेमेडीज करके देख लो, वो नहीं टूटेंगी, वो सिर्फ एक्सरसाइज से और पसीना बहा के ही टूटेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीत जी आपका एक्सरसाइज के विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो एक्सरसाइज के विषय पर आज हमने बातचीत की और जाना उसकी विशेषताओं को। तो मैं चाहूँगी कि आज से आप भी ये प्रण लें कि अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो उसके लिए शुरुआत मुझे ही करनी होगी। और जैसा कि कहा भी जाता है कि सफलता की शुरुआत आत्म अनुशासन से ही होती है, सक्सेस स्टार्ट्स विद सेल्फ डिसिप्लिन। तो मिलते हैं अगले सप्ताह अगले एपिसोड में, तब तक एक्सरसाइज करें, फिट रहें, क्योंकि फिट हैं तो हिट हैं। सबको जय मसीह की।